देश में कोरोना वायरस महामारी दिनों दिन फैल रही है, जिसके चलते केंद्र व प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन किया हुआ है और जो लोग मजदूरी कर अपनी जीविका चलाते हैं उनके लिए ये दिन मुश्किलों भरे हैं। मजदूर वर्ग के लिए पेट भरने के लिए कई समस्याएं पेश आ रही हैं और इनके लिए कई संस्थाएं भी अपना हाथ आगे बढ़ा रही हैं। हमीरपुर जिला के भोटा में राधा स्वामी बाबा के आदेश अनुसार 1400 व्यक्तियों के लिए पैक लंच बॉक्स भेजे गए हैं, जिसमें से 1000 लंच बॉक्स एसडीएम नदौन को भेजे गए, जबकि 400 लंच बॉक्स हमीरपुर एसडीएम को भेजे गए हैं, ताकि वह जरूरतमंद और भूखे व्यक्तियों को खाना दे सकें। इस बारे में जानकारी देते हुए एरिया सचिव कुलदीप सिंह ने कहा कि भूखे और गरीबों के लिए लंच बॉक्स भेजे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 40 से 42 सेवादार हाथ में ग्लव्स पहनकर खाना तैयार कर रहे हैं और सेवादारों को प्रॉपर मेडिकल चेकअप करने के बाद ही काम पर लगाया जा रहा है। यहाँ पर 1400 लोगों के लिए लंच जो है वो बनाया जा रहा है, जिसको कि हम गाड़ी में डालकर नदौन पहुँचा रहे हैं 1000 लंच पैक, और 400 जो हमीरपुर में, वहाँ पर एसडीएम के माध्यम से आगे ये ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। और जब हम ये लंच यहाँ पर बनाते हैं, जो भी सेवादार यहाँ पर आते हैं उनका प्रॉपरली मेडिकल चेकअप किया जाता है हमारे चैरिटेबल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा, फिर उनको सैनिटाइज़र दिए जाते हैं, उनके हाथ सैनिटाइज किए जाते हैं, उनके हाथ धुलवा कर बाद में फिर उनको ग्लव्स आदि पहनवाए जाते हैं, टोपी लगवाई जाती है, और प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए लगभग 1.5 मीटर के फासले पर वो बैठते हैं, वो अपनी सेवा करते हैं। बीवियाँ या अन्य जो भी यहाँ पर भाई लोग हैं जो सेवा में आते हैं, ट्रैक जो उनको करते हैं, तभी जो है इस प्रकार से जो है वो हम प्रॉपर एक अभ्यास की गाइडलाइन के अनुसार जो है इस लंगर को यहाँ बनाते हैं।